मैंने हमेशा से इस आइडिया को प्रमोट किया है कि आपको पैसे नहीं चाहिए म्यूजिक बनाने के लिए, इफ़ यू हैव अ म्यूजिकल माइंड दैट इज़ गुड एनफ। बट वेल, ऑन द अदर हैंड, मेरे सामने एक 50,000 रुपए का कीबोर्ड रखा हुआ है, मेरे पीछे एक 1,00,000 रुपए का मैकबुक रखा हुआ है, एक लॉन्च पैड रखा हुआ है, मीडी कीबोर्ड रखा हुआ है, स्टूडियो मॉनिटर हेडफोन्स रखे हुए हैं, कंडेंसर माइक्रोफोन रखे हुए हैं, यहाँ पे एक्रिस्टिक ट्रीटमेंट लगी हुई है। सो एम आई अ हिपोक्रेट और एम आई टेलिंग यू द राइट थिंग? लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैं सिर्फ आपके सामने इतना ही नहीं प्रूफ करने वाला हूँ कि आपको पैसे नहीं चाहिए म्यूजिक बनाने के लिए, बल्कि मैं इतना भी करने वाला हूँ कि आपको ये बता दूँ कि कैसे आप म्यूजिक बना करके पैसे कमा सकते हो, एंड उस पैसे को इस्तेमाल करके ऐसे स्टूडियो गियर्स वगैरह जो है कि आप ला सकते हो अपने पास। लेट मी स्टार्ट बाई गिविंग यू द डिस्क्लेमर कि ये जो सामान आप देख रहे हो, जो मैंने जुगाड़ के यहाँ पे रखे हुए हैं, इनका जुगाड़ ना मैंने स्टार्ट किया है 2011 से। 11 साल हो गए, अभी 2022 चल रहा है, इतने दिन मुझे लग गए ये करने में। अगर आप एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस लेकर इसमें आ रहे हो तो यू कैन गेट दिस थिंग डन इन नो टाइम, बट अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। सो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक बैक इन 2006, तब मेरे पास सिर्फ एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था जो विंडोज 90 चल रहा था, जो मेरे पिताजी का था ओरिजिनली। वेर आई स्टार्टेड यूजिंग अ फ्री सॉफ्टवेयर जिसका नाम था ऑडासिटी, जो राइट नाउ इफ यू कैन सी, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मेरी आवाज वहां पर रिकॉर्ड हो रही है, स्टिल यूज दैट। ऑडासिटी थी मेरे पास, और एक टूल था जिसका नाम था केक वॉक। केक वॉक पर सोनार अभी जो आ गया है वो नहीं, उसका पुराना वाला वर्जन केक वॉक, जिसमें साउंड क्वालिटी बहुत खराब निकल कर आती थी, बट दैट वाज गुड इनफ टू स्टार्ट मेकिंग म्यूजिक। नाउ आपके पास होपफुली इतना इक्विपमेंट तो है, मेरे कंप्यूटर में 256 MB का रैम था, आई बिलीव आपके कंप्यूटर में एटलीस्ट 2 GB की रैम तो होगी, सो यू ऑलरेडी हैव अ मशीन विथ योरसेल्फ, जो मेरा जो कंप्यूटर तो उससे बेहतर है। अगर आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है तब भी आप किस तरीके से काम कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर चल के। तो फ्री सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाते हैं, अगर आप ये कंप्लेंट नहीं करते हो कि यार मुझे हैंस जिमर जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे प्रो टूल्स चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें आप दिमाग से निकाल देते हो और इस बेसिक थ्योरी को समझ लेते हो कि अगर आपके पास एक म्यूजिक डॉ है जिसमें मल्टी ट्रैक चलता है तो उसमें म्यूजिक बनाना पॉसिबल है। अगर मल्टी ट्रैक नहीं भी चलता है तब भी म्यूजिक बनाना पॉसिबल है एक्चुअली, एंड आई एक्सपेरिमेंटेड दैट बैक इन 2004-05 कभी ना कभी यूजिंग अ टेप रिकॉर्डर। Obviously, that point of time, I never recorded myself doing it because I was not good at it. But if I have a tape recorder lying around, I'll probably make a video on that someday. If you are interested, let me know in the comments. मुझे कॉर्ड्स का आइडिया नहीं था, सो आई नीडेड टू नो अबाउट कॉर्ड्स। ऑब्वियसली आपको नॉलेज तो कहीं ना कहीं पानी होती है, तो मैंने देखा कि इंडियन जो लोग हारमोनियम बजा करके गाना सिखाते हैं, दे यूजुअली टॉक अबाउट कि सापा सा पकड़ के गाओ। ये तो पियानो साउंड आ रहा है, तो सापा सा पकड़ के गाओ। सापा सा से मुझे कॉर्ड का आइडिया है, ओके, सो यू कैन सिंग एनी नोट एंड यू कैन हैव अ यू नो थिंग गोइंग ऑन लाइक दिस। और फिर मैं कहीं ना कहीं फंक्शन देखने गया था, वहां पे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे वाइब्राफोन लेकर कुछ इस तरीके से बजाते हैं, ये जो भक्ति गीत टाइप के जो गाने होते हैं ना, ये जो है, एंड देन दे विल चेंज द कॉर्ड एंड गो टू समथिंग एल्स लाइक दिस, लेट्स से। सो फ्रॉम दिस थिंग्स आई फिगर्ड आउट कि भाई ये कुछ तो चेंज कर रहे हैं, तो मुझे पता चला अच्छा ये सापा सा एक स्केल में अगर ले रहे हैं तो शायद दूसरे स्केल में वापस से सापा सा बजा रहे होंगे। So think about it, without any idea of major minor, just 151, 151, 151 करके. Now that is fine, because you go in a 1-5-1-5 fashion, then basically you are not bound by major or minor, क्योंकि third note जो होता है, that determines about major and minor. मुझे उस वक्त ये चीज़ें पता नहीं थी, but I still tried to make a music, and the music was, well, it was musical ultimately. Technically वो बहुत sound नहीं कर रहा था अच्छा, but musically it was good, because it is still falling in the formula of sapasa. That was enough to start making music. अभी बात है कि रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मेरे पास ईयरफोन्स नहीं थे। मैंने ढूंढना चालू किया कि मेरे किसी दोस्त या किसी के पास, एक बंदा था जिसके पास वॉकमैन था, सोनी का वॉकमैन आता था, उससे मैं लेकर आता था, वो रिकॉर्ड होता था, बहुत खराब रिकॉर्ड होता था उससे, बट इट वॉज गेटिंग रिकॉर्डेड। एंड एज आई वॉज टेलिंग यू, टेक्निकल क्वालिटी बाद में मैटर करती है, पहले म्यूजिकल क्वालिटी लेकर आइए, वरना आपको EQ कंप्रेशन ये सारी चीजें आ गई है लेकिन म्यूजिकल क्वालिटी उसमें जीरो है, सो आई डोंट थिंक यू वॉन्ट दैट, राइट? शहीन बोन
मीडी के लिए मेरे पास ये जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर कीबोर्ड काफी है, जो गेमर्स होते हैं उनके जैसे WASD शिफ्ट कंट्रोल और यहाँ पे जो चार एरो हैं इन पे उनका हाथ सेट हो जाता है उसी तरीके से। आई मीन एक गेमर भी डे वन में गेमर नहीं होता है, उनको भी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली ये भी कर रहे हो आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये जो वीडियो यहाँ पे आ रही है या फिर उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे आप ऐसे नॉर्मल कंप्यूटर कीबोर्ड से गाना म्यूजिक तैयार कर सकते हो। यू कैन वॉच दैट वीडियो। दैट मीन्स टू स्टार्ट विथ यू डू नॉट नीड अ बिग कीबोर्ड, यू डू नॉट नीड अ प्रो टूल्स और अ एबल्टन लाइव, फ्री सॉफ्टवेयर एंड फ्री इंस्ट्रूमेंट आर इनफ टू गेट स्टार्टेड विथ जस्ट योर कंप्यूटर कीबोर्ड। आई थिंक वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट फैक्ट, राइट? इसके बाद बात आती है कि चलो ये सब करके गाना बन तो जाएगा, बट उसमें क्वालिटी कहाँ है? द साउंड इज नॉट साउंडिंग प्रोफेशनल इनफ। वेल लुक एट योरसेल्फ, यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, डोंट यू? अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता ये वीडियो राइट नाउ आप नहीं देख रहे होते। सो आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आपके पास फ्री सैम्पल लाइब्रेरी के एक्सेस भी हैं, जो आपको एक गूगल सर्च करने पर डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पर। जैसे कि एक तो मुझे अभी याद आ रहा है, एक विंडोज ऑनली VST है, उसका नाम है सिंटार। आपने प्रोबेबली यूज़ किया है अगर आपने इंडियन टाइप का कोई गाना बनाने की कोशिश की है तो। सितार का प्लगइन है, बहुत बढ़िया सितार निकल कर आती है। एंड डोंट कंप्लेन ऑन दैट, आई मीन इट्स फाइन, जो भी क्वालिटी निकल कर आ रही है दैट इज इनफ। म्यूजिकल क्वालिटी डालना चालू कीजिए, अगर म्यूजिकल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो इंस्ट्रूमेंटल की जो टोनल क्वालिटी है दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ सेकंड प्रायोरिटी। थिंक अबाउट इट, आज भी आप मोहम्मद रफी के गाने सुनते हो, किशोर कुमार के पुराने रिकॉर्ड सुनते हो, जिनकी ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, म्यूजिकल क्वालिटी की वजह से वो चलता है। अगर आप बात करोगे मार्केट में कंपटीशन बहुत है, लेकिन वो जो कंपटीशन में जो लोग लड़ रहे हैं उनकी म्यूजिकल क्वालिटी लगभग एक लो रेंज पर ही है, और जिनकी म्यूजिकल क्वालिटी काफ़ी हाई रेंज चली गई है उनकी इंस्ट्रूमेंटल टोनल क्वालिटी लेकर कोई बात नहीं करता। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट द सॉन्ग लकीर मूवी में जो गाना आया था, जी करदा है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, नाउ जी करदा है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ है? देयर इज अ वॉर्म पैड गोइंग ऑन, एक वाइड वोकल है, रिवर्व विवर्व डाल के थोड़ा बड़ा किया हुआ है, पीछे जो लड़की की आवाज़ चल रही है और ऊपर एक ढिक टिंटी ढिक this kind of a constant beat is there. That's it. And there is a dulcimer. Something like this. I mean, I probably played it wrong. So, ek dulcimer lago. That's all you have in that song. So, you can make this thing. Har ek application mein, in fact, aapka jo Windows ka jo general MIDI hota hai, usme bhi dulcimer ki sound hai. That will not sound as polished as that one, not because of the sample. Sometimes because you do not know how to process it in a good way. Kyunki sound processing, audio processing, ye sari knowledge aapko karte sikhna padta. Ye koi aapko baith kar sikha to sakta hai ki bro, tum aisa karoge to aisa ho jayega. But the more you try to फिगर आउट कि ये वैसा साउंड क्यों नहीं कर रहा है, इसमें उसका फ्रीक्वेंसी एनालाइज करो। फ्रीक्वेंसी एनालाइज करने के लिए VST स्पैन करके, जो मैक एंड विंडोज दोनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, सो यू हैव अ फ्री VST जहां पे आप फ्रीक्वेंसी एनालाइज कर सकते हो। आपको और क्या चाहिए? यू हैव द फ्रीक्वेंसी एनालाइजर, यू हैव अ फ्री EQ कंप्रेशन टूल, तो आपके बिल्ट इन होती है डॉ के अंदर, यू हैव इंस्ट्रूमेंट्स, सो व्हाट डू यू वेट इन फॉर? गो एंड मेक अ म्यूजिक, यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। अगर आपको इस कीबोर्ड से प्ले करना नहीं हो रहा है, पियानो डोल व्यू में बनाइए। काइल बीट्स करके एक बंदा है, मैंने उनके बारे में पहले भी जिक्र किया है, ही यूज्ड ऑन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जस्ट बाय मेकिंग म्यूजिक इन पियानो डोल। उनके पास कीबोर्ड होता तो था, वो प्ले नहीं करते थे उनको इन हिज अर्ली डेज। सो दैट काइंड ऑफ एस्टेब्लिशेस द फैक्ट, आई बिलीव आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअल में अगर हम ये एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, ये सब होने से आपको बेनिफिट जरूर होता है, बहुत बेनिफिट होता है। मैंने यूं ही 55,000 नहीं लगा दी कीबोर्ड खरीदने के लिए, मैंने यूं ही एक मैकबुक नहीं खरीद लिया, उसके यूज केसेस हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू कैन स्टार्ट मेकिंग म्यूजिक विद लिटरली जीरो मनी, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप। न
नाउ अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, आपके पास एक फोन है, ट्रैक्शन डॉ फ्री है फोन के लिए। मैंने दो चार वीडियोस बनाई थी फोन के ऊपर म्यूजिक बनाना लेकर, उनकी सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लास्ट जो AMPC कंटेस्ट हुआ था, AMPC सीजन 2, उसमें बंदे ने सबमिट करा था ऐसे FL स्टूडियो मोबाइल में म्यूजिक कंपोज करके। और अभी बात करते हैं कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो। पैसे कमाने के लिए आप ट्रैक प्रिपेयर करके लोगों को दे सकते हो। पीपल परचेस ट्रैक्स, आई एम टेलिंग यू पीपल परचेस ट्रैक्स। आप ऑनलाइन जाके फाइवर में और ईलांसर में अपनी प्रोफाइल मत डाल के रखो, कोई आपको क्वेरी नहीं भेजने वाला है। Nobody is gonna send you a query। आप बोलोगे यार फ्रीलांसिंग मेरा चला नहीं, अरे नहीं चलेगा। फ्रीलांसिंग में जिस बंदे का आपको चलते हुए दिख रहा है, वो बंदा आज से 15 साल पहले चालू किया है वो। आप 15 साल वेट किए हो, नहीं किए हो। आप 15 साल वेट करोगे, अगर आप करोगे जरूर से आपका भी चल पड़ेगा। आप जिस इलाके में रहते हो, यू हैव लोकल बैंड्स ओवर देयर, गो एंड टॉक टू देम। हर एक इलाके में लोकल बैंड्स होते हैं, उनके लिए म्यूजिक बनाओ। डे वन में कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, डे वन में आपकी म्यूजिकल क्वालिटी लोग देखेंगे। अगर आपने एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, वो कस्टमर अगली बार आप ही के पास आएगा। आपने उसको फिर से सेटिस्फाई कर दिया, अगर आप सेटिस्फाई करते रह रहे हो तो आपको रेफरल्स मिलने लगेंगे, लोग रेफर करेंगे और किसी को। और आप बस इतना बोल दो, सर आपके लिए मैं फ्री में कर दे रहा हूं। आप जब किसी को रेफर करेंगे, ये मत बोलिएगा कि फ्री में किया है। आपके इलाके में गाना बनाने के लिए जनरली स्टूडियोज जितने अमाउंट चार्ज करते हैं, आप उसका 10% 20% में करके दे दीजिए। 50% में, 10-20% में करके। क्योंकि आप याद रखिएगा, लोग आपको हमेशा विचार करते हैं कि आपका एरिया दिख कैसे रहा है। नाउ यू नो आई नो दैट टू मेक अ यू नो आई नो इज अ फैंटास्टिक सॉन्ग। यू नो आई नो कि टू मेक अ म्यूजिक यू डू नॉट नीड अ ह्यूज लेट्स से दिस थिंग। आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं खोल रहे हो, आप प्रोडक्शन स्टूडियो कर रहे हो। प्रोडक्शन स्टूडियो कैन बी एज सिंपल एज जस्ट अ सिंगल कंप्यूटर इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम विद अ पेयर ऑफ हेडफोन्स। यू कैन मेक द मोस्ट वंडरफुल म्यूजिक सिटिंग ओवर देयर। यू डू नॉट नीड अ फैंसी स्टूडियो। बट लोग नहीं समझेंगे तो आप खुद बोल दो बिफोर दे कम एंड टेल यू कि भाई तेरे पास स्पेस नहीं। बोलो मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरी लोकेशन इतनी है इसलिए मैं चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, दिस इज वॉट आई एम चार्जिंग यू। तब आप देखेंगे लोग आपको आपके काम के लिए विचार कर रहे हैं। दे आर जजिंग यू ऑन योर वर्क एंड नॉट ऑन योर हाउ द थिंग्स लुक लाइक, राइट। मैंने म्यूजिशियंस के लिए मनी मेकिंग के जो प्रोसेसेस होते हैं उनके स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूला वीडियो मैंने बनाई थी, जो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो हम डिस्कशन को यहीं पर एंड करेंगे, बट जाने से पहले मैं आपको और एक एग्जांपल देकर जाऊं, जो है कि यानी आपने उनका नाम सुना होगा। ही इज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ म्यूजिशियंस अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल्सो टू मी। तो अगर यानी के बारे में आपको ये फैक्ट पता ना हो, ही इज नॉट फॉर्मली टॉट ऑन पियानो, येट ही प्लेज द पियानो बेटर देन 99% ऑफ द पियानिस्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। उनको म्यूजिकल नोटेशन पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, वेस्टर्न नोटेशन। ही राइट्स हिज ओन फॉर्म ऑफ नोटेशन, एक अपने तरीके से वो एक्सप्रेस करने का तरीका उन्होंने बना लिया है। एंड ही इज मेकिंग द बेस्ट म्यूजिक इन द वर्ल्ड। सो यू सी इट इज ह्यूमनली पॉसिबल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टिल दिस पॉइंट। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।